पांडा बिटवीन बिहाइंड एंड इन फ्रंट. नाउ आज इस वीडियो में एक ड्रामा होने वाला है, राइट? और डू यू लाइक ड्रामा? ओके फाइन. चलो आज इस ड्रामा का नेम है बिग कैरट. और बिग कैरट के ड्रामा में कुछ कैरेक्टर भी है जो वो रोल प्ले करेंगे, सो आपको बहुत मजा आएगा. इट्स वेरी फनी. सो इस ड्रामा में कुछ कैरेक्टर्स है जिसे मैं मिलवाना चाहूंगी. फर्स्ट है जैसे कि एज यू नो द नेम ऑफ बिग कैरट, तो फर्स्ट में मिलवाना चाहूंगी बिग कैरट. सो बिग कैरट इज हियर. यस, ये है हमारा बिग कैरट. सेकेंड वन है ग्रैंडपा, जिसको कैरट बहुत पसंद है, सो आप मिलिए ग्रैंडपा से. ये है हमारे दादाजी यानी कि ग्रैंडपा, जिसको कैरट बहुत पसंद है. नेक्स्ट वन ग्रैंडमा. यस, ये है हमारी ग्रैंडमा. नेक्स्ट वन एक प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट गर्ल भी है. यस, क्यूट गर्ल. वो तो कुछ सोच के आ रही है. ओके नाइस. नेक्स्ट एक डॉग भी है. आपको डॉग से डर लगता है? नहीं, चलो आज हम डॉग से मिलते हैं जो इस ड्रामा में है. डॉग वाव 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 वाव. ओ वो होकर के आ रहा है, बाप रे. नेक्स्ट वन एक कैट भी है, प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट. सो कैट प्लीज. ओ म्याऊ म्याऊ करके आ रही है. यस, ये है सब हमारे कैरेक्टर इस ड्रामा के. ओके फाइन, चलो. Now let's start our drama. Grandpa love to grow carrots. You can see here, यहाँ पे grandpa carrots grow कर रहे हैं. Then once he planted some carrot seeds. वो कुछ carrot के seeds grow करते हैं. Fine. Then one carrot grew very very big. Look at one carrot. It grew very very big. It was as tall as grandpa. It was as tall as grandpa. Now grandpa said, it's time to pull it out. Yes, now grandpa says, it's time to pull it out. He pulled on the carrot top. You can see, grandpa ne pull kiya hai. Now he pulled very hard. But the carrot would not come out. Now grandma came to help. Yes, now she pulled on grandpa pulled on the carrot top, but they all are tried together. Yes, but the carrot would not come out. Next, a girl came to help. Yes, now she pulled on grandma pulled on grandpa pulled on the carrot top. Then all are tried together, pulled very hard, but the carrot would not come out. Next, a doggy came to help. Then dog pulled on the girl pulled on the grandma. Grandma pulled on the grandpa pulled on the carrot top. They all are tried together, they all are pulled very hard, but the carrot would not come out. Then a kid came to help. Yes, a kid came to help. A kid pulled on dog pulled on girl pulled on the grandma pulled on the grandpa pulled on the carrot top. They all are tried together. Yes, the big carrot come out. Yes, now after the watching the drama, we have to do some exercise related to this chapter. Okay, आपको ड्रामा पसंद आया? Do you like this drama? अगर इफ यू ऑल आर इन द स्कूल तो मैं आप सबको ये ड्रामा करवाती.
बट आज मैंने कुछ कैरेक्टर्स लेके कुछ बच्चों को लेके ये ड्रामा आप लोगों को दिखाया. ओके आप भी घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ ये ड्रामा कर सकते हो. दिस इज वेरी फनी. ऑलराइट नेक्स्ट वन. नाउ यू हैव टू टेक आउट द पेज नंबर 47 इन योर लैंग्वेज. पेज नंबर 47. फाइन. पेज नंबर 47 सम क्वेश्चन आंसर्स इज गिवन एंड प्लस वन ऑफ द बॉक्स इज ऑल्सो देयर. राइट उसमें ऑप्शन दिए है कि कौन सा राइट आंसर आएगा. तो आपको उस बॉक्स में से आंसर्स देखते जाने. यू जस्ट टिक आउट व्हिच आंसर इज राइट एंड देन आफ्टर यू कैन राइट डाउन इन द ब्लैंक्स. फाइंड द फर्स्ट वन. हाउ टॉल वाज द बिग कैरट. बिग कैरट कितना बड़ा था. तो इट वाज एज टॉल एज ग्रैंडपा. ग्रैंडपा जितना बड़ा था. राइट कैरट कितना था. ग्रैंडपा जितना बड़ा. तो आपको ऑप्शन में दिया है नीचे जो बॉक्स दिया है उसमें आंसर दिया है एज टॉल एज ग्रैंडपा. सो राइट डाउन एज tall as grandpa. Right? Now next one. What did grandpa try to do? Grandpa क्या कर रहे थे. क्या करने की try कर रहे थे. तो वो carrot को निकालने की try कर रहे थे. Means to pull out the carrot. To pull out the carrot. Full stop. Who planted the carrot seed? किसने कैरेट सीड्स प्लांटेड किए थे. ग्रैंडपा. हु. ग्रैंडपा. हाउ डिड ग्रैंडपा ट्राई टू पुल आउट द कैरेट. ग्रैंडपा कैसे पुल कर रहे थे. तो बाय पुलिंग ऑन द कैरेट टॉप. वो कैरेट को ऊपर से पकड़ के बहुत जोर से खींच रहे थे. बाय पुलिंग ऑन द कैरेट टॉप. Now next one, second one exercise. Put in the right order the names of those two came to grandpa's help. Grandpa की help के कौन first one by one आया था उसके name लिखने. तो first पहले कौन आया था grandpa को help करने के लिए. Grandma. कौन आया था first. Grandma. So write down grandma. Then grandma के बाद कौन आई थी. Girl. Little girl. Then dog. और last में कौन आया था. Cat. Right. Now next page number 48. Learn the names of these vegetables. Now आपको कुछ options दिए हैं. कुछ vegetables के pictures भी दिए हैं. You have to identify which vegetable is this and write it down from the बॉक्स. फर्स्ट वन आपको दिया है कैरेट. सेकेंड वन आपको दिया है अनियन. थर्ड वन आपको दिया है टर्निक. फोर्थ वन. फिफ्थ वन कॉलीफ्लावर. सिक्स्थ वन ब्रिंजल. सेवेंथ वन कैबेज एंड एथ वन रेडिस. ब्रिंजल को दूसरा कहते हैं एग प्लांट. ब्रिंजल का दूसरा नाम क्या है. एग प्लांट. अगर आपको कहीं पे एग प्लांट वर्ड आए दैट मीन्स दैट इज ब्रिंजल. फाइन. यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन कि ब्रिंजल को दूसरा क्या कहते हैं. तो एक प्लांट कौन सा वेजिटेबल है. मैंने तो नहीं खाया. बट एक प्लांट मीन्स ब्रिंजल. फाइन. नेक्स्ट वन. मैच द अपोजिट ऑन द पेज नंबर 48. सम अपोजिट वर्ड्स गिवन टू यू ऑन द पेज नंबर 48. जस्ट यू हैव टू मैच इट आउट. ओके जस्ट सेकेंड. यस. नाउ अपोजिट वर्ड. बिग का अपोजिट क्या होगा. बिग तो स्मॉल. Tall, tall, short, top, top मतलब सबसे ऊपर. नीचे मतलब bottom. Top का क्या होगा. Bottom. Top मतलब सबसे ऊपर. Bottom मतलब सबसे नीचे. Pull, pull मतलब कि खींचना. Pull मतलब खींचना. तो pull का opposite क्या होगा. Push. Pull, push. Pull मतलब खींचना. Push मतलब धक्का देना. Hard तो soft. Now some मतलब थोड़ा. many मतलब ज्यादा. I have some chocolate but I have many chocolates. Right. So here it's your opposite words. Now page number on 49. Some fill ups also there like these and that. These and those. Right. That already we learn in a grammar topic. Right. Again हम revision करते हैं. फाइन. तो फर्स्ट वन सेंटेंस आपको दिया है.
डैश इज गॉट मीन्स कि यहाँ पे एक ही गॉट की बात कर रही है. इट्स नॉट मोर देन दैट्स व्हाई वी यूज आल्सो इज एन आर्टिकल. प्लूरल फॉर्म में ए नहीं आता, आर्टिकल्स नहीं यूज होता है, प्लस में इज नहीं आता, आर यूज होता है और गॉट नहीं गॉट्स होते हैं. मीन्स दैट सेंटेंस इज अ सिंगुलर राइट. अब सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे चाहिए इसके लिए चाहिए दीज बिकॉज एक हो तो दीज एक से ज्यादा हो तो दीज राइट. तो यहाँ पे आएगा टी एच आई एस दिस ठीक एंड वाई टी डा दिस इज अ गॉट ये गॉट है. नाउ द नेक्स्ट वन डैश आर ग्रैब्स मीन्स अब ये प्लूरल सेंटेंस हुआ लाइक कैसे बिकॉज फर्स्ट आर आर हम यूज जब एक से ज्यादा हो दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर एंड ग्रेप्स मीन्स मोर देन वन नॉट ओनली वन ग्रेप इट्स मोर देन वन ग्रेप्स. सो टी एच आई एस दिस तो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है. सो हियर वी हैव टू यूज दीज टी एच ई एस सी दीज आर ग्रेप्स फाइन. नेक्स्ट वन डैश इज अ शीप अगेन सिंगुलर नाउन सिंगुलर सेंटेंस यूज हुआ. Is a sheep. यह sheep है. अब that तो हम singular के साथ use करते हैं और plural के साथ we have to use those. तो यहाँ पे हम ठीक करेंगे that is a sheep. Next one. Dash are mangoes. Means more than one mangoes, right? So that or those. Because एक से ज़्यादा हो then we have to use those. So those are mangoes. ये mangoes हैं, right? Fine. So यहाँ पे हमारे these, that, these and those are opposite words complete. होते हैं. More exercises also there on the page number 49. Rewrite sentences in the past form. Past form means the things is already happened, right? Like if I'm say कि हम जब वो was and were का किया था, right? Was and were का use करते हैं. The things is already happened. जो चीज हो चुकी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम वोज एंड वर यूज करते हैं राइट. सो उसमें क्या होगा इज की प्लेस पे क्या यूज होगा वोज और आर की प्लेस पे वर यूज होता है. लाइक आई ही शी इट इसके प्लेस पे इज की प्लेस पे हम यूज करेंगे वोज एंड वी यू दे मींस प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करेंगे वर. बट अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में ऑलरेडी वर्ड्स दिया है जो पास्ट टेंस का है वो हमें प्रेजेंट टेंस यानी कि जो प्रेजेंट वर्ड है उसकी जगह पे हम वो यूज करेंगे. ओके जस्ट अ सेकेंड. यस नाउ इट इज अ बिग कैरेट आपको ऑप्शंस में दिया है मतलब ब्रैकेट में दिया है वर्ड्स राइट. तो अब इसकी प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे वर्ड्स एज आई टोल्ड यू राइट. सो फर्स्ट वन क्या होगा It was a big carrot. हमने क्या किया इस की प्लेस पे किसको यूज किया was. It was a big carrot. Fine. Next. Grandpa grows carrot. अब ये जो grows दिया है उसकी प्लेस पे आपको क्या यूज करना है grew. क्या यूज करना है grew. Grows का क्या हो जाएगा past grew हो जाएगा. So grew carrot right. grandpa grew carrot. अब grows का क्या हो जाएगा past tense grew हो जाएगा. इसका क्या हो गया was हो गया. fine. next one a girl comes to help. comes का क्या हो जाएगा can. girl क्या करने आई थी help करने आई थी अभी आई नहीं है. so girl came to his help. A girl came to his help. Right? Come का क्या कर दिया हमने cat. Next one. The cat pulls on the dog. यहाँ पे हमने pulls की जगह पे क्या कर दिया है pulled कर देना है. क्या कर देना है pulled. Pull का क्या होगा past tense pulled. Right? The cat pulled on the डॉग. क्लियर. हमने यहाँ पे जो वर्ड्स थे उसके हमने पास्ट टेंस किए राइट. जो हमारे यहाँ पे एक्शन वर्ड थे उसके पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है. तो पुल्स का क्या हो गया पुल्ड. कम का केम. ग्रो का ग्रू. एंड इज का वोस. जस्ट यू हैव टू चेंज ऑन दैट प्लेस यू हैव टू राइट डाउन द पास्ट वर्ड्स एंड देन सेम सेंटेंसेस.
राइट। सो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के रिगार्डिंग लर्नर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। पेज नंबर 5 आपको दिया है, राइट हियर द नेम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू लाइक मोस्ट। वन ऑफ द बॉक्सेस देयर ऑन द पेज नंबर 51 देयर यू हैव टू डू व्हिच फ्रूट्स यू लाइक इट, व्हिच फ्रूट्स यू लाइक इट मोस्ट, राइट। जो फ्रूट्स आपको बहुत पसंद है, दैट वेजिटेबल्स नेम, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बोथ द नेम यू हैव टू राइट डाउन। लाइक इफ यू लाइक टू फ्रूट्स मोर देन, मतलब बहुत ज्यादा पसंद है, यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ टू फ्रूट्स। यू लाइक इट टू सब्जेक्ट इज वेरी, देन यू कैन राइट इट डाउन, ओके। नेक्स्ट, सो ड्रॉ एन एलिफेंट, कलर इट, डन, कंप्लीट इट द सेंटेंस। आपको एक एलिफेंट दिया है, लाइक दैट यू हैव टू ड्रॉ। आपको वन बाय स्टेप दिया है, फर्स्ट स्क्वायर दिया है, फिर रेक्टेंगल का शेप है, फिर मतलब कर्व्स का है, एंड देन ओवल का शेप है, राइट। यहाँ पे शेप का भी आपका हो गया। देन सेकेंड में क्या किया, वहां पे उसका ईयर बन रहे हैं, क्या है, उल्टा डी कर दिया, आईज कर दिया, टेल कर दिया, उतना स्टेप। फिर आगे जाके क्या कर दिया है, उसकी ट्रंक बनाई है ऐसे कर्व करके उसकी ट्रंक। तो यू ऑल्सो ट्राई टू मेक एन एलिफेंट हियर एंड देन कलर इट, विच कलर यू लाइक इट, एलिफेंट कलर, राइट। पिंक कलर का एलिफेंट मत करिएगा, एलिफेंट का कलर इधर on a dark black or grey type, right? An elephant is a big animal. Elephant is a big animal, right? चलो यहाँ पे इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। नाउ एक्टिविटी बुक, इन द एक्टिविटी बुक ऑल्सो वी हैव सो मेनी एक्सरसाइज, ओके। सो नाउ इन योर एक्टिविटी बुक टेक आउट द पेज नंबर 22. Which page number? 22, activity sheet 5. Okay? Yes. Now, on the activity sheets, first one, एक आपको paragraph दिया है, right? Same passage दिया है, just you have to read and give the answers of MCQ. चलो हम read करते हैं, आप भी अपनी activity book निकालिए और मेरे साथ read करिए, okay? Grandpa loved to grow carrots. Once he planted some carrot seeds. One carrot grew very, very big. It was as tall as Grandpa. Grandpa pulled on the carrot off. He pulled very hard. But the carrot did not come out. First one. Who loved to grow carrots? Carrots kisko grow karna pasand tha? Grandpa को, तो grandpa को ठीक करेंगे। What did grandpa ने क्या plant किया था? Some carrot seeds। उसने क्या plant किया था? क्योंकि seeds ही हम grow करेंगे तो plant होगा ना grow? Yes। What grew very very big? One carrot की all the carrot? One carrot। How tall was one carrot? जो carrot था वो कितना बड़ा था? Tree जितना बड़ा कि grandpa जितना बड़ा? It was as tall as grandpa. How did grandpa pull to carrot? He pulled to the root. Root को पकड़ के थे कि उसके top के ऊपर पकड़ा हुआ था? Top. He pulled at the top. Did he pull very hard? क्या उसने बहुत जोर से खींचा था? Yes. He pulled very hard. But also carrot not come. Fine. Now, in page number 23 in your activity book, which one word will go in all the blanks? Ek hi word hai jo sari blanks mein aayega. Let's see which word. Yes. Now, which one word will come in this all the blanks? Let's see. Grandpa planted which seeds? Carrot seeds. One dash grew very very big. क्या बहुत बड़ा grow हुआ था? Carrot. One carrot grew very very big. The days was as tall as grandpa. क्या grandpa जितना बड़ा था? Carrot. The carrot was as tall as grandpa. Grandpa pulled at the carrot top. The days not come out. क्या बाहर नहीं कर रहा था? Carrot. Right? Now this carrot is मतलब will come in all this blank. Fine. Next one. Page number on 24.
लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ईच ब्लैंक. आपको एक पिक्चर दिया है राइट, अब उस पिक्चर को देखना है एंड देन वी हैव टू फील द प्लेस वर्क. दिस ऑल आर द प्लेस वर्ड्स. फर्स्ट वन लुक दिस दिस पिक्चर. पहले पिक्चर को हम देख लेते हैं. एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर बस है, एक ट्री है, ट्री के ऊपर मंकी चल रहा है, पानी में फिश है, एक बोट है, बोट एक जो फिशरमैन है वो चला रहा है, ब्रिज के नीचे बोट है, फिर दो बॉय है वो रिवर को मतलब देख रहे हैं और वो सारे सीन को देख रहे हैं. दिस इज द पिक्चर. नाउ सी लुक दिस दिस पिक्चर. लुक एट दिस पिक्चर के लुक टू दिस पिक्चर मतलब कि यहाँ पे कोई एक प्लेस दिखा रहा है. लुक एट दिस पिक्चर तो फर्स्ट वर्ड में आंसर क्या आएगा एट. लुक एट दिस पिक्चर ये पिक्चर देखिए. वी सी अ रिवर डैश द पिक्चर. हमें रिवर कहाँ दिख रही है पिक्चर के अंदर है. पिक्चर के ऊपर तो है नहीं, इन द पिक्चर तो सेकेंड वर्ड में आएगा इन. देर इज अ बोट डैश द रिवर. आप देखिए रिवर के अंदर है ना बोट. So, in the river. You can see a bridge, there is the river. आपको जो ब्रिज है वो कहाँ दिख रहा है? रिवर के ऊपर है ना, रिवर के ऊपर है. बट ऊपर मतलब क्या हुआ, किसी चीज के ऊपर. अब वो क्या है, देख पानी के ऊपर नहीं, आपका जो रिवर का पानी है वो उसको टच हो रहा है ब्रिज को, नहीं हो रहा है. मतलब कि वो किसी चीज के ऊपर है बट वो उस चीज के ऊपर नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं ओवर. जैसे कि आप जंप करते हो राइट, किसी चीज के ऊपर से, लाइक वन ऑफ द टॉय इज देयर, वन ऑफ द टेबल इज देयर. तो राहुल जंप्स ओवर द टेबल. राहुल जंप्स ओवर द टेबल. राहुल ने टेबल के ऊपर से जंप्स किया. बट ऊपर मतलब कि वो चीज के ऊपर से किया. द थिंग्स यू कैन नॉट टच. जिस चीज चीज को आप टच नहीं करते हो वो ऊपर से जा रहे हो. दैट मींस ओवर यूज होता है, ऑन और ओवर. अब ये देखिए ये जो बर्ड है, सपोज कि ये चौक है, वो चौक यहाँ पे है राइट. तो ये क्या हुआ, ऑन द बुक. अब ये चौक मैंने यहां से इस तरफ फेंका, तो वेयर शुड आई थ्रो द चौक, तो ओवर द बुक. मैंने बुक के ऊपर से चौक को फेंका तो ओवर. क्लियर ओवर एंड ऑन का डिफरेंस. तो वेयर इज द ब्रिज, ओवर द रिवर. रिवर के ऊपर की तरफ ब्रिज है राइट, तो ओवर द ब्रिज ओवर आएगा. नेक्स्ट वन वी यू कैन सी अ ब्रिज ओवर द रिवर. नेक्स्ट वन देर इज अ बस, देर इज द ब्रिज. अब बस देखिए, बस कहाँ है, ब्रिज के ऊपर है. ऐसे हवा में बस तो नहीं है, तो वो और हवा ऐसे रोड मतलब कि स्काई में तो चल नहीं रही है कि हम बोले कि बस इज गोइंग ओवर द ब्रिज. नो, बस इज देयर ऑन द ब्रिज. तो यहाँ पे क्या आएगा ऑन. नेक्स्ट अ मंकी इज क्लाइंबिंग अप द ट्री. अभी वो चढ़ रहा है, वो ट्री के ऊपर से नहीं चढ़ रहा है, वो नीचे से स्टार्ट कर रहे है. तो क्लाइंबिंग अप द ट्री, नीचे से ऊपर मतलब अप की तरफ जा रहा है. तो क्लाइंबिंग अप. नेक्स्ट यू कैन सी टू बॉयज डेज द बैंक. अब बैंक मतलब जो रिवर बैंक होती है वो. आपको दो दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो कहाँ है, बैंक के मतलब कि रिवर के अंदर है, दरिया किनारे के अंदर है कि दरिया किनारे पर है, उसके ऊपर है, बैंक के ऊपर. सो यहाँ पे आएगा ऑन द बैंक. यू कैन सी टू बॉयज ऑन द बैंक. नाउ एट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइन. They are looking. अब वो क्या देख रहे, कुछ देख रहे मतलब कि कोई प्लेस को, कोई चीज को फोकस किया है, तो उसके लिए क्या आएगा एट. They are looking at a fish. Fish. वो किसको देख रहे, पर्टिकुलरली फिश को देख रहे हैं. वो फिश कहाँ है, तो कि इन द रिवर. वेयर इज द फिश, इन द रिवर राइट. सो यहाँ पे ये हमारे थे प्लेस वर्ड्स. नाउ पेज नंबर 25, 26 और 27 जो है वो आपको नहीं करना है, बस यहाँ तक ही आपको करना था राइट. यहाँ पे चैप्टर 5 की जो आपकी एक्टिविटी शीट थी वो भी कंप्लीट होता है, मतलब कि हमारा टेक्सचुअल पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. हमने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर स्किप किए हैं,
दैट चैप्टर यू कैन रीड फॉर प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस कर सकते हो रीडिंग में। ये चैप्टर की भी आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। हम लोगों ने 3, 4 and 5 दिस ऑल दी चैप्टर्स भी टेकन, राइट। सो यहाँ पे हमारा टेक्सचुअल सिलेबस कंप्लीट होता है। नाउ जस्ट लेफ्ट ओनली वन टॉपिक ऑफ ग्रामर, दैट इज प्लेस, सॉरी वो है हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। कौन से है? क्वेश्चन वर्ड्स। ओके फाइन, चलो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।